ठीक है जसरा आलम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सही हूँ। और पंखा बहुत तेज़ चल रहा है, इसको करते हैं ऑफ। और इस वक्त बज रहा है दिन के 4 और मैं जा रही हूँ कुछ शॉपिंग के लिए, देखते हैं क्या लेते हैं, बता दो। अब 1 महीना कुछ ले नहीं पाएंगे। सो गाइस, अब 1 महीना नहीं, फिर भी, लेकिन हम 1 महीना नहीं लेते, पूरा मुहर्रम का महीना हम कुछ नहीं, नई चीज नहीं करेंगे। 10 दिन तो बिल्कुल ही नहीं लेते ना, कुछ भी तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन अगर कुछ जरूरत पड़ गई तो 10 दिन तो कुछ भी नहीं लेंगे। सो गाइस, 10 दिन तक तो हम लोग कुछ भी नहीं लेंगे, लेकिन हाँ उसके बाद अगर कोई ज़रूरत पड़ी, क्या है वैसे तो 1 महीना कुछ भी नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी 10 दिन तक तो हम लोग कुछ भी नहीं लेंगे। तो हमने सोचा चलो आज चलते हैं मार्केट और कुछ ले आते हैं। अब देखते हैं क्या लेने जा रहे हैं, बता दो मम्मी क्या लेने जा रहे हैं। अभी कुछ पता नहीं है, अभी कुछ पता नहीं है, अब ये जाके मार्केट में ही पता चलेगा कि हम लोग क्या लेने गए हैं, और फिर आप लोगों को दिखाएंगे भी अगर लाते हैं, और नहीं लाते तो घूम घाम के आ जाएंगे टमाटर धनिया पत्ती हरी मिर्ची लेके। ये जरूरी है भाई, तो ये तो भाई डेली का खाना है ना, तो ये बहुत ज़रूरी है, तो यही सब लेके आ जाएंगे मार्केट से, और नहीं तो फिर अगर कुछ लाएंगे तो ज़रूर दिखाएंगे इंशाल्लाह। सो गाइज, हम लोग मिलते हैं कुछ देर के बाद, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। सो गाइज, देख सकते हैं आप लोग, मम्मी थोड़ी थोड़ी धूप भी है बाहर, वैसे ज़्यादा धूप नहीं है, मौसम बहुत हद तक सही है गाइज। जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। मम्मी आप लोगों को दिखाते हैं मौसम कैसा है। मम्मी देखो, धूप, हल्की धूप है और हल्की छाया है। धूप तो नहीं है ज़्यादा, बट हल्की हल्की छाया भी है और धूप भी है, बारिश भी आ सकती है। उतर गई मम्मी नीचे, देखो गाइस मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चली गई। मम्मी उतर गई। ये जा रही है मम्मी। मम्मी मैं भी आ रही हूँ, मम्मी मैं भी आ रही हूँ। गाइस ये फरीद बाजार, थोड़ा जोर से कर भाई, हम पहुंच चुके हैं फरीद बाजार। भाई सोनू कहाँ? सोनू तेरा हाथ ही नहीं आ रहा, क्या बात है? अच्छे से करना। अच्छा फ्रूटी पी रहा है कि पानी पी रहा, बता। वही तो मैं सोची कि मुझे छोड़ के तू क्या पिए ले रहा है, पानी की फ्रूटी, पानी पी। हाय बोल मेरे फैंस को। हाय फ्रेंड, कैसे हो साहब? और अपनी शॉप पे न्यू और लेटेस्ट आइटम है सब, फैब्रिक मटेरियल है टोटल, जो भी चाहिए आप आइए। आप इनको दुकान भी दिखाइए हमारी। मैं तो दिखा रही हूँ, कैसे लगता है आने के बाद? और गाइस जो कहीं नहीं मिलेगा वो हमारी फरीद बाजार में मिलेगा। हेलो, ये देखिए, किसी से बात कर रहा है अभी वो जी। ये सब ये जॉर्जेट है ना फरी सोनू, ये देखो मम्मी पूरा जॉर्जेट है, देखिए गाइस ये पूरा जॉर्जेट है। हाँ बोलो, क्या बात कर रही थी मम्मी? दुबई से कब आ गया सोनू? दुबई तो हर दूसरे दिन जाता है, घूम लो, पैसा कमा रहे हैं, क्या करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये कौन सा कपड़ा है सोनू? ये साटन है। हाँ ये पूरा साटन है, ये पूरा जॉर्जेट है। और आइए देखते हैं। अरे बाप रे, कितना बिजी हो, ये तो देख भी नहीं रहा इस साइड में। क्या नाम है इस लड़के का? कितना खूबसूरत है, तुझे दिखा दूंगी तो पूरी जनता पागल हो जाएगी। हाँ पूरी जनता पगला जाएगी इसको देख के। कितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे? हाय तो कर दे कम से कम। हाय बाय।
देख भाई भी कमीना, सलाम भी नहीं किया जिसने मेरे से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ये देखिए गाइस, अगर आप केबी सिलाओगे तो कलर चेंज हो जाएगा, केबी से में साइनिंग नहीं रहेगी ना, वैसा रहेगा मेरा साइनिंग। मैं जो लेने आई हूँ भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा, चला दिखा। चलो ठीक है, ऑफ करिए, आइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और बराबर लाइक करते रह कर भाई। थैंक यू। कैसा मौसम, एकदम बारिश आने वाली है। ये हम लोग पहुंच चुके हैं सुपेला में, और आम कितने सारे लगे हैं, क्योंकि मेरी मम्मी के फेवरेट हैं ये आम। लोगे क्या मम्मी आम, पूछो। वो कैसे रुपए किलो है? वैसे भी अब जा रहा है ना आम, इसीलिए ज़्यादा बोल रहा है। क्यों भैया, उसी को सही रेट लगाओ ना। 100 का 2 मीठा है? नहीं नहीं, खा के नहीं देख रही हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ फिर देखती हूँ। मेरी मम्मी का फेवरेट आम, अम्मी वो वाला आम तो और अच्छा है। ये देख, पूछ। लेकिन अच्छा आम है मम्मी वो। चलो देखते हैं फिर। मम्मी ले ले, लेकिन कहीं से भी ले, आम ले ले। है पूछने से कोई? हाँ चलो ठीक है। शाम का क्या मौसम है। सो गाइस, हम लोग मार्केट से आ चुके हैं और कुछ भी नहीं लेकर आए। क्यों मम्मी, सिर्फ दो ही चीज़ ले आए हैं। बहुत महंगा था सब कुछ, और टमाटर थे सस्ते, तो टमाटर और आम लेकर आ गए हैं। देखिए मम्मी, अच्छे टमाटर मिल गए ना हम लोग को, 60 रुपए किलो थे, बट हम लोग को मिल गए 40 में ना। सो गाइज, हम लोग को मिल गए 40 में, और खाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि टमाटर के बिना तो हम लोग कोई सब्जी नहीं हमारे कहाँ बनती है। तो देखिए आप लोग कितने अच्छे टमाटर 40 रुपए हम लोग को मिल गए हैं। दिखाती हूँ आप लोगों को कितने अच्छे टमाटर हैं। अच्छा डलिया लेके आई हैं मम्मी, डलिया में रखते, वैसे भी फिर पॉलीथीन में रख के मम्मी फिर वही करेंगे, फ्रिज में तो इसी में रखना है ना। ठीक है, निकाल के दिखा देते हैं कितने अच्छे टमाटर हैं। गाइस 40 में कितने अच्छे टमाटर मिल गए हम लोगों को। और गाइस ये आम लाई हूँ, क्योंकि आम का भी सीजन जा रहा है। मम्मी इसके लिए नहीं आपने डलिया दी, इसको भी निकाल के रख देते डलिया में। देखिए कितने अच्छे आम भी हैं, इनको कौन सा आम बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है। खैर दशहरी तो नहीं बोलते होंगे इनको, दशहरी तो मौदहा में बहुत अच्छे आम आते हैं। सो गाइस, और आम का सीज़न भी जा रहा है, लास्ट है, एक दो बार और आएंगे, उसके बाद तो फिर एक साल के लिए चले जाएंगे। तो हमने सोचा चलो ले लेते हैं। तो गाइस बस यही दो चीज़ लेकर आ गई हूँ मार्केट से, और अब आप लोगों से मैं मिलती हूँ कुछ देर के बाद। बने रहिए आप लोग हमारे साथ। तो गाइज हम लोग निकल रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं मम्मी हम लोग? कहाँ जा रहे हैं हम लोग मम्मी? आगे चलो फिर बता देंगे। फिर से आ चुके हैं, और अब जा रहे हैं फतोला बाजी और मुनव्वर अंकल से मिलने। हम भी मुनव्वर ही नाम है ना अंकल का, कहीं गलत तो नहीं बोल रही हूँ? नाम ले दूँ तो बोलने की बोले कि उनका नाम कुछ और है और मैंने नाम कुछ और ले दिया है। चलो मम्मी, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, आज बारिश नहीं हुई है तो आज सब कहीं हो लो। क्या हो गया? सो हम पहुंच गए हैं,
हम पहुंच गए हैं फतोला बाजी के घर में। अरे अम्मी ये तो छोटा वाला गेट है, हम आएंगे बड़े वाले गेट से। फतोला बाजी कहाँ, कितने अच्छे पूरे गमले देखो, कितने प्यारे। ये है उनका मेन गेट। मम्मी खोल रही है। अब हम पहुंच गए उनके घर और देखते हैं अंदर पहुंचकर। ये देखिए कितना खूबसूरत गमले पूरे में दीवार में रखे हुए हैं उनके। अब हम जा रहे हैं अंदर और देखते हैं वहाँ वीडियो बना पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग उनसे मिलने आ रहे हैं। वो लोग हज करके आए हैं तो सब लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, तो पता नहीं। तो गाइस देखते हैं अंदर पहुँच कर, और बने रहिए आप लोग हमारे साथ। बिल्ली कितनी क्यूट बिल्ली है। सो गाइस अब हम जा रहे हैं अंदर, चलो। अस्सलाम वालेकुम अंकल, इधर बैठे हैं अंकल, बात कर रहे हैं। हाँ हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ। ये हैं फतोला बाजी और ये हैं मम्मी। आइए अंकल, अंकल बात कर रहे हैं। ये अंकल और ये फतोला बाजी और ये मम्मी। अल्लाह पाक मेरे भी मम्मी को हज और उम्र नसीब हो, दुआ करिए। ये फतोला बाजी और ये मुनव्वर अंकल, और हम लोग को तो बहुत दुआ दे रहे हैं, और अल्लाह इनको दोबारा फिर से हज पे बुलाए। और गाइस बहुत खैरियत से आ गए ये लोग, अल्लाह का शुक्र है। और बस ठीक है, आप लोगों से मिलते हैं फिर कुछ देर के बाद। बने रहिए आप लोग हमारे साथ। और गाइस अब हम लोग जा रहे हैं फतोला बाजी, हमें आ रही है दरवाजे तक छोड़ने। और ये देखिए, लेकिन अब इधर अंधेरा हो गया ना बाजी, काफी देर हम लोग बैठ गए ना। फतोला बाजी के ना गुलदस्ते जो ये रखे हैं ना, ये बहुत खूबसूरत हैं। लाइट नहीं है ना। हाँ तो आपके जो किराएदार तो रहते थे ना। हाँ, वो रहते थे, गुड़िया थी। अच्छा हाँ, तो क्या है वो गर्मी बहुत रही है ना, तो सूख गए हैं सब। हाँ देखिए गाइस और अंधेरा हो चुका है। कभी दिन में आएंगे तो देखेंगे फिर फिर बनाएंगे वीडियो। खोलिए मम्मी, ठीक है बाजी जा रहे हैं। ठीक कोई चीज की ऐसी बात नहीं है कि मतलब किसका नाम ले लेगा। मेरा नाम लिए थे, बिल्कुल सबका नाम लेके अल्लाह, जो भी लड़कियां एक तेरा और सबके लिए, जो नहीं बोले उसके लिए भी अल्लाह सबको। आप ही लोगों की दुआएं तो लगेंगी हम लोग, सब अच्छा होगा। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं, बस आपकी दुआ। ठीक है बाजी चलती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है अल्लाह हाफिज़। आना फिर किसी। ठीक है अल्लाह हाफिज़। मौसम है बारिश का, कितना अच्छा लग रहा है। आ जाओ मम्मी, बारिश बहुत तेज हो रही है। सो गाइस हम लोग मिला है फतोला बाजी और मुनव्वर अंकल से, वो लोग हज करके वापस आ गए और सही सलामत।
और जितने भी हमारे फरीदनगर के हाजी गए थे सब लोग, मम्मी अभी पूरे हाजी नहीं आए ना, ये पहली फ्लाइट वाले आ गए हैं। सो गाइस आ गए और अभी आधे आधे हाजी, हाँ तो आते जा रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ से गए हैं वैसे वैसे वो लोग वहाँ से भी आते जा रहे हैं गाइस। और इस बार बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम हुई, भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी और भीड़ वहाँ, रस भी बहुत ज़्यादा था बता रहे हैं। तो बस यही लग रहा था, जिनको हम लोग जानते हैं जो जो यहाँ से गए हैं, मौदा से गए, भिलाई से गए, बस यही लग रहा था अल्लाह पाक सब खैरियत के साथ वापस आ जाएं, सब खैरियत से आ जाएं। और अल्लाह का करम है सब लोग आते जा रहे हैं। तो अभी मुनव्वर अंकल और फतोलाबा जी आ गए हैं तो हम लोग उनसे मिल के आ गए और अब मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हम सबको हज नसीब फरमाए, हमारी मम्मी को भी। बार बार मैं अपनी मम्मी के लिए कह रही हूँ, मेरे डैडी तो हज कर आए थे ना, मम्मी डैडी तो बहुत पहले हज कर आए थे, लेकिन अल्लाह मेरी मम्मी को भी जल्द से जल्द अल्लाह हज और उमरा उनको नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। और गाइज आप लोग भी मेरी मम्मी के हक में दुआ करिए कि मेरी मम्मी को भी अल्लाह पाक जल्द से जल्द हज पे बुलाए। और बस, और उन लोगों के लिए बहुत अफसोस हो रहा है कि बहुत सारे लोग ख़त्म भी हुए हैं और बहुत कि उनके घर में खुशी की जगह मातम है कि यहाँ से हज के लिए निकले और वहाँ बहुत लोग ख़त्म भी हो गए हैं। क्या हुआ, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अल्लाह पाक उनके बच्चों को सब्र दे, जिनके माँ या बाप या ऐसा किसी के साथ हुआ है तो अल्लाह पाक उनको सब्र दे। और बस अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो यहाँ का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। और जिस तरह से अभी तक आप लोग मुझे अपना प्यार और अपना सपोर्ट दे रहे हैं, इसी तरह से मुझे आगे भी देते रहिए। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से वेट रहता है और मेरा एक हौसला बढ़ता है गाइज़। आप लोग मुझे यहाँ तक लाए और सब लोग मुझे पसंद करते हैं, बस कुछ लोग हैं जो मुझे निगेटिव कॉमेंट्स करते हैं, तो बस थोड़ा सा वो हो जाता है कि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और इस तरह से कोई कमेंट्स कर देता है तो बहुत जो दो हैं तो वो तक ही नहीं करते हैं। कोई बात नहीं मम्मी, हैं कुछ लोग हैं जो यही तौफीक, अल्लाह पाक बस उनको यही तौफीक दे मुझे लेके इतने मतलब नेगेटिव कमेंट्स करते हैं और मेरी पर्सनल लाइफ पर करते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है मुझे। अगर वीडियो पर करें, मेरी मतलब खाने पर करें या मतलब इस तरह से करें तो नहीं लगेगा मुझे बुरा, लेकिन जब वो लोग मेरी पर्सनल लाइफ पर कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और कोई भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं है। अल्लाह जब जो चाहेगा, जिस चीज़ का टाइम, हर चीज़ का टाइम अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है। और हम और परेशान ना हो, नहीं बस थोड़ा सा ये लगता है कि जब मेरी पर्सनल लाइफ पर ये लोग कमेंट्स करते हैं कुछ लोग, तो मुझे ये लगता है कि क्या वो लोग अल्लाह को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में भी माँ है, बहन है, बेटी है और वो लोग अपनी लाइफ नहीं देखते हैं पर बहुत ज़्यादा, बस मुझ पर मतलब मुझे क्या, अच्छे अच्छे लोगों पर कमेंट्स करते हैं तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन बस अल्लाह उनको यही तौफीक दे कि वो दूसरों पर उंगली उठाएँ, लोगों को बुरा बोलें, क्योंकि वो लोग अल्लाह को भूल बैठे हैं। और बस फैंस आप लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मुझे सपोर्ट किया, मुझे आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप लोग मेरी फैमिली हो और आप लोग मेरी हिम्मत हो, मेरा सपोर्ट हो, और इसीलिए मैं इतने मतलब वीडियो बनाती हूँ। जब आप लोगों के अच्छे कमेंट्स आते हैं तो मुझे और हौसला बढ़ता है मेरा कि मैं और अच्छा वीडियो बनाऊँ, लेकिन बस। और मैं अब अपने किस ब्लॉग अपने ब्लॉग का यहाँ से एंड करती हूँ गाइस। और अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए और इसी तरह से आप लोग अपना प्यार देते रहिए। और मिलती हूँ आपसे फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में, और देखते हैं या कोई रेसिपी डालते हैं या फिर कहीं बाहर जाते हैं, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।